अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। रोहित शर्मा बने टीम इंडिया के कप्तान। हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी सहित ये खिलाड़ी हुए अफगानिस्तान सीरीज से बाहर। जी हां दोस्तों, आखिरकार अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कैसी है भारतीय टीम की स्क्वाड, साथ ही कौन कौन से खिलाड़ियों को किया गया है इस सीरीज से बाहर, बताएंगे आपको सब कुछ आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ इस T20 सीरीज को जीते, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को जनवरी 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज खेलनी है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज टीम इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के लिए बेहद ही अहम है। अफगानिस्तान टीम हाल के दिनों में काफी मजबूत हुई है और वर्ल्ड कप 2023 में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा था, इसीलिए BCCI ने अब अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए एक मजबूत टीम तैयार कर ली है। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को मौका मिलने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद से इन दोनों दिग्गजों ने एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित और विराट फिर से T20 टीम में वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर रोहित शर्मा वापसी करते हैं तो वो टीम इंडिया की कप्तानी की जिम्मेदारी भी निभाते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मुकाबलों के लिए कैसी हो सकती है टीम इंडिया की स्क्वाड। रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ईशान किशन, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हो सकती है अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की स्क्वाड। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।